प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब अमित भाई, आप जल्दी से बता दीजिए ना, हमारी उत्सुकता क्यों बढ़ा रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्लू देता हूँ, आप लोग पहचानिए, ठीक है। और आनंद जी हमारे यहाँ पहले आ चुके हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आनंद जी आने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं जाने माने संगीतकार आनंद जी भाई, जिन्होंने अपने संगीत के जादू से करोड़ों लोगों को लुभाया है। तो प्लीज वेलकम कल्याण जी, आनंद जी के, आनंद जी भाई। और मैंने सुना कि सब म्यूजिकल भी हो गए हैं, अब अंताक्षरी भी कर रहे हैं आप। और जब मुझे जो ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी हुआ और सब कुछ तैयार हुआ, आपका आना पड़ेगा, जाना कहीं और था, लेकिन मैं बोला पहले वो खोल दम तो जाना स्टेज। आनंद जी भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में बई बार अंजा स्वागत है। अरे बापा, जेठाल क्या कोनो गाल करता। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गोकुलधाम सुरीली जगह है, जब भी आने का दिल करता है तो यहाँ ऐसे लगता है कि वाह वाह, मैं अपनी जगह पे पहुँच गया, क्योंकि सुर से फंसे हुए हैं ना हम लोग। और टप्पू ने मुझे बोला कि इस टाइम तो हमने बहुत कुछ किया है, पहले जो अब आए थे तो कुछ हुआ था, लेकिन अभी तो कंपटीशन किया गया। मैं बोले कंपटीशन? बोले हाँ, हमने कंपटीशन किया। मैं बोले इतने सारे गाने सबको याद है? तो बोले पुराने लोगों ने पुराने गाने गाए, हम लोगों ने नए गाने गाए। बोला बोला अच्छा है, कंपटीशन तो अच्छी कर लिया आपने। पर आनंद जी भाई, अंताक्षरी चाहे गोकुलधाम में हम लोग खेले या हिंदुस्तान में कोई भी खेले, अगर आप जैसे सुरीले संगीतकार न हो और ऐसे बढ़िया बढ़िया गाने न बनाए तो क्या हम अंताक्षरी खेल सकते हैं? आप लोगों की वजह से खेल रहे हैं अभी अंताक्षरी। उस जमाने का ये है, और राइटरों को जो लिखा था उन्होंने उसका सब कमाल है, क्योंकि अच्छी लाइन हो तो अच्छा कंपोज हो ही जाता है। पुराने जमाने के गाने मतलब असली गीत कोई भी गुनगुना सकता है। आनंद जी सर, अगर अंताक्षरी का वर्ल्ड कप हुआ ना तो हमारा हिंदुस्तान ही जीतेगा। वाह टप्पू वाह। आनंद जी भाई, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी आपको हार्दिक बधाई देते हैं, क्योंकि आनंद जी भाई को इस साल लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए आनंद जी भाई। तो अब हमारे संगीत के सुरों के साथ ही आज आनंद जी भाई जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे। गोकुलधाम अंताक्षरी के सरताज की ट्रॉफी है आनंद जी भाई। पहली दो टीम को नहीं, इसमें से
दो टीम्स आई थी फाइनल्स में, एक है टप्पू के तानसेन और एक है सोनू के सुरीले। जीतने वाली टीम है आज की टप्पू के तानसेन। टप्पू के तानसेन, क्या बात है। लेकिन आनंद जी भाई देखिए, दोनों टीमें फाइनल की कितनी जोरदार है। अगर सोनू के सुरीले हारे तो जेठालाल के पिताजी जीतेंगे और टप्पू के तानसेन हारे तो टप्पू के पिताजी जीतेंगे। तो आज के हमारे सुरीले सफर के साथ ही श्री आनंद जी भाई जीतने वाली टीम को अवार्ड देंगे। जीतने वाली टीम को अवार्ड देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे? मतलब भैया अवार्ड ऐसे नहीं दूंगा, अवार्ड चाहिए तो मेरी एक शर्त है। क्या क्या आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे, तो मैं भी तो देखूँ कि गाने वालों में से कौन किसने अच्छा गाया, क्या गाया। और जिसको आपने चुना है तो ऐसे तो नहीं चुनेंगे, तो हम भी तो सुनेंगे कि किसने क्या अच्छा गाया है जी। आर यू रेडी फॉर दैट? तो आज हो जाए, आर यू रेडी? बस आनंद जी भाई, आप ही का बनाया हुआ एक गाना मैं यहाँ पेश करने की जरूरत कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे संभाल लेना। बहुत ही बोलते हैं ना वो इमोशनल गाना है एकदम, तो दर्द के साथ गाने की पूरी कोशिश मैं करूँगा, तो तवज्जो चाहूँगा, तो शुरू करता हूँ। क्या बात कही है जेठा भाई, हाँ? अरे कमाल किया, कमाल किया जेठा भाई, आपने तो कमाल किया। एक बिजनेसमैन होके, व्यापारी होके आपने जो जज्बात की बात की ना, वो तो कमाल किया। और इमोशन से गाया आपने, कमाल किया। अरे नहीं नहीं, ये तो आपकी क्या जर्रा नवाजी का शुक्रिया है। मैं तो साहब क्या बोलते हैं, जर्रा नवाजी। लेकिन आज जो गाया आपने बहुत दिल से गाया। ओके, लेकिन बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू आनंद जी भाई, थैंक यू। जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए आनंद जी भाई का। भाई जेठा भाई ने तो कमाल कर दिया, अब आपकी पार्टी में से कौन गाने वाला है? हमारे ग्रुप से दादाजी गाएंगे। दादाजी गाएंगे? दादाजी, हाँ जी। अब क्या गाने वाले हैं? ओ, आपका जो बेहतरीन गाना है पल पल दिल के पास, पल पल दिल के पास। दादाजी एक बात बताइए, पल पल दिल के पास किसके लिए गाएंगे आप? ये मेरे टप्पू की दादी के लिए गाऊंगा मैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। आनंद जी भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 चाचा जी, चाची जी भी ऊपर से देख रही होंगी तो यही कह रही होंगी, दिल खुश कर देता। वाह भाई वाह। तो आनंद जी भाई आपको मजा आया कि नहीं? अरे बिल्कुल, ऐसा कमाल का मजा आया कि क्या बोलूं, चाचा जी ने तो कमाल कर दिया। यस, तो अभी विजेता टीम को अवार्ड दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित भाई, अवार्ड देने से पहले आनंद जी भाई, आप भी गुजराती, मैं भी गुजराती, तो एक गुजराती गाना हो जाए, आप भी क्या संगीत वाला हो जाए। अरे हो जाए हो जाए। तो आज की हमारी विजेता टीम है टप्पू के तानसेन। आइए चाचा जी, टप्पू नटुका का आइए। वाह 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 चाचा जी, वाह। आनंद जी भाई, क्या ये ताज इन्हें पहना दीजिए। क्या बात है,
और ये रही अंताक्षरी के महायुद्ध की ट्रॉफी। बहुत खुशी की बात है और हिंदुस्तान में अगर ऐसा ही हो, कोई जीते या कोई हारे, लेकिन हारने वाले भी जितने प्यार से आपको इनको प्यार दे रहे हैं, ऐसा अगर पूरा हिंदुस्तान हर वक्त करे तो कितनी बड़ी बात हो जाए ना। धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी भाई, धन्यवाद। हाँ वो बोल रहा हूँ वासी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा आया। देखिए जीवन में ये आनंद बहुत कम मिलता है, ये जो है ना बिल्कुल इस आनंद को पाने के लिए एकता हो तभी हो सकता है। और आप में सब ये एकता देखते मन करता है जब भी आप बुलाएंगे मैं जरूर आ जाऊंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद। अरे सर असली आनंद तो हमने पाया क्योंकि आनंद जी आए तो आनंद आया। अच्छा जी तो चलता हूँ, बाय अंकल। एक मिनट, हाँ क्या हो गया? टप्पू सेना की ये फरमाइश है कि आप हमारे लिए एक गाना गाएं। अभी नहीं, क्यों नहीं भाई क्यों नहीं बेटा, तेरी आवाज में ऐसा लगता है तू अच्छा गाती होगी, जरा गा के सुना सकती है तू? गा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गाना पड़ेगा मुझे? मेरी एक ही कंडीशन है, आपको साथ में गाना पड़ेगा। तो हो जाए, चलिए। मित्रों किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ भले ही कैसा भी हो लेकिन अगर पूर्णाहुति धमाकेदार हो तो फिर क्या बात है। हमारे यहाँ गोकुल धाम में तो अंताक्षरी का प्रारंभ भी लाजवाब हुआ और अंत तो कमाल का हुआ जब सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी यहाँ स्वयं पधारे और उन्होंने अंताक्षरी के सरताज को अपने हाथों से ट्रॉफी दी, मुकुट पहनाया। टप्पू के तानसेन को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये मुकाबला जीता। आप भी अपने घरों में अंताक्षरी खेलते होंगे और हार जीत चलती रहती होगी लेकिन जीत हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह अंताक्षरी में हमारे सुर कमाल के होते हैं वैसे जीवन के सुर भी अद्भुत बने रहने चाहिए। हम जीवन के हर कदम पे चाहे हारे या जीते लेकिन लोगों के चेहरों पे हमारे लिए हमेशा हंसी और उनके दिलों में हमारे लिए सदैव शुभकामनाएं रहनी चाहिए। जिंदगी की दौड़ के अंदर हंसी और शुभकामना ही तो है जो हमारा साथ देती है। यहाँ पे गोकुल धाम में अंताक्षरी का सफर तो समाप्त हो गया है लेकिन हंसी का सफर हमेशा जारी रहेगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।